ये देख के ना भाई अंदर में अलग ही फील आता है, अपना भारत का झंडा लहरा रहा है। ओहो हो सो गाइस देखो ये जाते जाते यहाँ पर मेरे बाएं तरफ देखो हनुमान जी का बहुत बड़ा एक स्टैचू। ओहो हो भाई साहब रोड देखो, 1 2 3 3 6। और ये मेरे राइट तरफ जो देख रहे हो ये काटोरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो यहाँ का खर्चा कितना आया? 130। यहाँ का खर्चा 130 रोटी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिहारवाड़ा। तो हम लोग कल रात में ही रुके थे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज गए, लेकिन हम लोग अभी सुबह सुबह क्यों नहीं निकला, सुबह सुबह इसलिए नहीं निकला, हम लोग जाएंगे यहाँ से ज़्यादा नहीं 150 या 160 किलोमीटर राइड करने वाले। यहाँ से हम लोग जाएंगे ओंगोले, ओंगोले बोल के एक जगह है जो यहाँ से डिस्टेंस है 150 to 160 किलोमीटर शायद, ठीक है। कल गूगल मैप देखा था 152, इसलिए बोला 160 के अंदर। तो फिलहाल ये था हमारा रूम, और रूम को आप लोग देख लो, सुंदर सा बेड, ये एसी पीछे, लगेज वगैरह सब पैक हो चुका है, राइडिंग पैंट राइडिंग जैकेट इसको पहन ले फिर निकलूंगा, और टॉप बॉक्स भी रेडी, ठीक है, फटाफट सब रेडी। तो चलो फिलहाल यहाँ से तैयार होके सीधा मोटर फ्लॉग में बात करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग ये होटल से निकले हैं, ये था होटल आदित्य ग्रैंड, ठीक है। ये वही को साथ भी है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट आके यहाँ से बुक किया था, 1000 रुपया का रूम था। रूम तो आप लोग को दिखाया, और बाइक हो चुका है पूरा पैक्ड अप, हम लोग पूरा तैयार। तो यहाँ से सीधा चलते हैं निल्लर के, मैं रजिस्ट्रेशन लगाया हूँ, यहाँ से 280 किलोमीटर शायद ऐसा होगा। तो अगर उतना दूर तक नहीं हो पाएगा तो ओंगोले में रुक जाएंगे, दो ऑप्शन है, अगर लेट हो जाएगा तो ओंगोले में रुक जाएंगे, अगर टाइम होगा तो निल्लर पहुंच जाएंगे। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। और ये था कालका 368.4 किलोमीटर कालका राइड था, इसको कहते हैं ट्रिप जीरो, ये हो गया ट्रिप जीरो। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से निल्लोर का डिस्टेंस है 279 किलोमीटर, दिखा रहा है 4 आवर 16 मिनट्स, मतलब हम लोग को पहुँचने में 4:30 बजेगा नॉन स्टॉप जाएंगे, तो फिर भी हम लोग को और भी 2 घंटा पकड़ना चाहिए, 6:30 बजेगा। तो चलो इधर यहाँ से निकलते हैं, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ सबके साथ। यहाँ से गली से कल रात में हम आए थे वो इसलिए रास्ता पता है, यहीं से हाईवे पकड़ लेंगे, ये पूरा पकड़ेगा हाईवे NH16। हम लोग NH16 से 1 किलोमीटर के अंदर था, 1 किलोमीटर। हाँ मुझे यहाँ से राइट, ये बोर्ड कल हम देखे थे, ये चेन्नई सीधा जाएगा विशाखापट्टनम, दाएं चेन्नई, और ये अंदर सिटी घुसता है। और रात में हम लोग ये जो RR बिरयानी देख लो, यहाँ पर हम लोग खाने आए ये दुकान पर, अच्छा खाना था, 350 में बहुत पेट भर गया था तीनों का, भाई तीनों का 350 और क्या चाहिए। चलो पहले यहाँ से निकल के आप लोग को हाईवे चल के अपडेट करता हूँ। विशाखापट्टनम हम लोग ये राइड लेके फिर बीच पे चलेंगे, यहाँ से आगे से एक रास्ता था लेकिन मैंने सोचा गली से नहीं जाऊंगा, ये हाईवे ठीक है यही। सो गाइस मेरे बाएं तरफ जो रिवर देख रहे हो ये तो पूरा सूख गया, इधर उधर थोड़ा सा पानी है, तो ये रिवर का नाम है कृष्णा रिवर। और दाएं तरफ देखो पहाड़, आ ओ दाएं तरफ जो पहाड़ देख रहे हो उसके ऊपर हम लोग गए थे कल, वो था दुर्गा मंदिर, वो वाला वहीं पे हम लोग कल गए थे घूमने। तो चलो बाय बाय करते विजयवाड़ा को, विजयवाड़ा सच में बहुत सुंदर जगह है, लेकिन विजयवाड़ा सिर्फ यही नहीं है, और भी घूमने का यहाँ जगह है। सो गाइस आगे कोई एक जगह देखना पड़ेगा जहाँ रुके तो खाना पड़ेगा, हम लोग अभी भी ब्रेकफास्ट नहीं किए, सिर्फ ब्रश किया और निकल आए, ठीक है। थोड़ा लेट से आज नींद से उठे, क्योंकि लेट से निकलना था तो जल्दी नींद से उठ के कोई फायदा नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लो। ओहो भाई साहब ये देख के ना भाई अंदर में अलग ही फील आता है, अपना भारत का झंडा लहरा रहा है। ओहो हो कितना सुंदर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। फिर पहले एक टोल था, टोल के बाद ये एक क्या बोलो हाईवे नेस्ट कॉफ़ी शॉप, तो यहाँ थोड़ा रुके क्या मिलते देखते, थोड़ा खा के फिर यहाँ से निकलूँगा। तो गाइस यहाँ से ब्रेकफास्ट कम्प्लीट कर लिया, ब्रेकफास्ट में हम लोग खाए चिकन पैटीज और पेस्ट्री और जूस,
और पानी का बोतल लेके और एक केक का पैकेट लेके हम लोग का खर्चा आया 400 रुपया ना, 400 में हो गया हम लोग का पेट भर गया। अभी मतलब पकड़ लो अभी 1-2 घंटा नहीं रुकेंगे, ठीक है। अभी 20 किलोमीटर गाड़ी चलाया, चलो आगे बढ़ते। सो गाइस देखो ये जाते जाते यहाँ पर मेरे बाएं तरफ देखो हनुमान जी का बहुत बड़ा एक स्टैचू, ये देखो कितना बड़ा, देखो भाई साहब जय हनुमान, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अगला दिन एक देखे थे लेकिन उससे भी ये ज़्यादा सुंदर। और ये देखो नीचे मंदिर देखो, जय हनुमान जी। चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और एक अपडेट भी छोड़ दिया यहाँ से। तो भाई साहब आज धूप ज़्यादा है, बहुत धूप है, मतलब गर्मी भी है थोड़ा। और इधर भी एक देखो हनुमान जी का स्टैचू, ये देखो ये पूरा वाइट कलर का है, जय हनुमान। टुकुरु 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 टक 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 टुकुरु 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 चल फटाफट मीना, क्या गर्मी है रे बाबा। और ये मेरे राइट तरफ जो देख रहे हो ये काटोरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इतना बड़ा देखो, कितना बड़ा देखो मेडिकल कॉलेज, पूरा ही ये भी पूरा ही बहुत सुंदर है। विश्वनगर ये लेफ्ट जाने से चला जाएगा विश्वनगर। सो गाइस यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हनुमान जी के मंदिर मतलब मूर्ति या स्टैचू, ये भी अलग लेकिन कलर अलग है, बहुत ही बड़ा, ये भी बहुत बड़ा। भाई साहब साउथ में तो बहुत यहाँ हनुमान जी को बहुत मानते हैं, जय हनुमान जय हनुमान। इधर जो ऊपर देखो बड़ा सा चर्च, बहुत सुंदर लग रहा है भी। सो गाइस पीछे एक बोर्ड था उसमें लिखा था नीलोरिया से 190 किलोमीटर और होंगली 70, चेन्नई शायद 370 या 380 कुछ देखा, एग्जैक्ट याद नहीं, 370 होगा। हो क्या ही नजारा, आंटी का पैर तोड़ गया, देख जा रहा है अल्ट्रा डिलैक्स, बस के साइड में लिखा है अल्ट्रा डिलैक्स, अल्ट्रा डिलैक्स। अंगली यहाँ से 60 किलोमीटर, मदुरा यहाँ से 817 और मारतूर बोल के कई जगह है लेफ्ट जा रहा है 3 किलोमीटर मारतूर। तो गाइस अभी हम लोग कर रहे हैं लंच, ये दोपहर में रोटी और दाल मखनी, ठीक है लंच करके फिर बात करते बाइक के ऊपर, कितने खर्चा आया अभी बता दूँगा। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30 और हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हम लोग का प्लान थोड़ा चेंज हुआ है। हम लोग सोच रहे हैं आज अंगली में रुक जाएंगे, ठीक है। अंगली यहाँ से 50 किलोमीटर क्या है, अंगली बीच भी साइड में, कल सुबह सुबह वहाँ से निकलेंगे, बीच भी थोड़ा घुमाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को भी थोड़ा घुमाएंगे, सब सिर्फ हाईवे नहीं, आज थोड़ा घूमने का मन हो गया अभी, क्योंकि 2 दिन पूरा हाईवे घूम रहा था, कल सिर्फ वो दुर्गा मंदिर घूमा, तो इसलिए आज सोच रहा हूँ आज थोड़ा बीच घूम लेता हूँ। वहाँ का जो सी बीच है, ये भैया भी बोल रहे थे ये उड़ीसा का, ये बोल रहा था उधर घूम के जाओ अच्छा लगेगा आपको, तो चलो उधर घूम के ही जाते हैं। यहाँ से खाना वाना खा लिया हम लोग, लंच हो गया, पूरा पेट भर गया। तो यहाँ का खर्चा कितना आया, 130, यहाँ का खर्चा 130, रोटी दाल 2 बटर पानी 1 चाय हो गया, ठीक है। चलो सीधा यहाँ से निकल के रास्ते में बात करते हैं। चलो अभी थोड़ा धूप कम है क्योंकि बादल बादल जैसा है पूरा वेदर, थोड़ा बादल जैसा, इसलिए उतना गर्मी नहीं लग रहा है। और तेज़ धूप होने से क्या है गर्मी ज़्यादा लगता है। ओहो भाई साहब रोड देखो, 1 2 3 3 6, अभी जिंदा हो तो जी लेने दो, जी लेने दो, गाड़ी वाले साथ में बाइक चलाने। सो गाइस चेन्नई यहाँ से 33 किलोमीटर 333 और अंगली यहाँ से 25 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं और 25। चलो टाइम दिखा रहा है 30 मिनट, आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। चलो सो गाइस यहाँ से कन्याकुमारी 1001 किलोमीटर, कावाली 75 और हम लोग बाएं तरफ जाएंगे अंगुली 4 किलोमीटर। हम लोग ये बाएं तरफ रोड पकड़ लिया और सीधा ये जा रहा है
चेन्नई की तरफ। तो इन्हें 16 को छोड़ के हम लोग सर्विस रोड जाए, सर्विस रोड लेके बाएं घुसना पड़ेगा। ये आ चुके हैं हम अंगली के अंदर। तो गाइस यहाँ थोड़ा पेट्रोल फुल कर लेते हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे कहाँ क्या घूमेंगे और पेट्रोल पंप है कि नहीं पता नहीं, यहाँ से फुल कर लेते हैं फुल टैंक। हाँ, पेट्रोल का प्राइस यहाँ 108.56 रुपया। 1020 रुपये का पेट्रोल भर लिया, कितना हुआ 9.40। सो गाइस ये पहुँच गए हम अंगली के अंदर। चलो बीच साइड देखते हैं कहाँ होटल मिलता है क्या मिलता नहीं। सो गाइस ये आ गए हम लोग समुंदर के पार। इधर पूरा ही जो मच्छी बाजार होता है, मतलब ये सब नाव जाता है मछली पकड़ने के लिए। मतलब मूवी में मैं जो चीज़ देखता हूँ दिखाता है, वो मैं खुद तक अपनी आंखों से देख रहा हूँ। ये साउथ में, साउथ का मूवी में ऐसा दिखाता ना। चलो हम लोग तो घूमेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले होटल देखते हैं होटल। सो गाइस ये अंगली में रहने का ऑप्शन बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इधर रहने का ऑप्शन बहुत कम है, और जो भी है रिजॉर्ट में भाई एक रात का यहाँ भाड़ा है 5000 रुपया। ठीक है 5000-6000 ऐसे ही। बीच बड़े बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसे ही हम लोग ऐसे ही घूम के निकल जाएंगे। और एक जगह हम देखे हैं साइड में, देखते हैं अगर उधर मिलेगा अच्छा, नहीं तो मेन अंगली सिटी में चला जाएंगे। फिशिंग बोट, ये सब मछली पकड़ने जाता है, छोटा छोटा बोट बहुत अच्छा। मतलब ये जो घर वाले देख रहे हो आप लोग, ये सब मछुआरे हैं। ठीक है मछुआरा फैमिली। चलो यहाँ से निकल लेते हैं हम लोग। अभी ये उंगली से निकल रहे हैं, क्योंकि उंगली सिटी में लॉज वगैरह मिलता है, और ये बीच साइड कोई लॉज ही नहीं है। जो है 2-3-4 रिजॉर्ट है, लेकिन उसका रेंट भाई 5000 उतना भाई इधर रहने का कोई दरकार ही नहीं था खर्चा करके। तो देख लिया बीच, बस उतना खास नहीं, नॉर्मल है, ठीक ठाक है। मेरा जाने का रूट था, मैं देख लिया। सो गाइस यहाँ पे अंदर से जा रहा था विलेज साइड रोड। यहाँ पे देखो एक हनुमंदी का स्टैचू कितना बड़ा, बहुत सुंदर। सो गाइस हम लोग ये पकड़ लिए फिर से इन्हें 16 और जा रहे आगे। यहाँ से और ज़्यादा दूर नहीं डिस्टेंस होटल का, 20 किलोमीटर। वहाँ लॉज होटल वगैरह मिलता है, मतलब ऑप्शन है, लेकिन क्या करें। और चलो वहाँ जाके होटल लेके फिर आपसे बात करते हैं। सो गाइस हम लोग वो जो उंगली बीच से फिर हाईवे से पकड़ के दूसरे जगह आ गया। तो हम लोग अभी है सिंगाराया कुंडा। सिंगाराया कुंडा एक जगह है, और यहाँ पे भी पास में बीच है, मतलब 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो बीच पे उधर होटल नहीं है, यहाँ पर जो होटल है ये थोड़ा टाउन एरिया है, यहाँ पर है। तो साइड में होटल वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ पीछे आदमी घूमने आते थे। और पहले जहाँ अंगोली में उधर था रिसोर्ट था, लेकिन ज़्यादा एक्सपेंसिव इसलिए उधर नहीं गया। तो ये आ चुका है हम लोग का चिकन नूडल्स। ठीक है ये देखो बहुत ढूंढ के एक बंगाली लड़का मिला है भाई, बना के दिया है। कारी पत्ता भारी पत्ता कुछ नहीं है, प्लेन जैसा है, थोड़ा मसाला अलग होगा लेकिन चल जाएगा। और इधर हो रहा है कॉफ़ी वगैरह करके, मैं थोड़ा एज में बैठा हूँ, पता नहीं आज हो पाएगा कि नहीं। तो चलो इसको ख़त्म करते हैं। सो गाइस आज का खर्चा जो है वो है, सुबह सुबह जब हम लोग निकलते हैं तो टोल क्रॉस करके पहले रुका था, जहाँ पर हम लोग ब्रेकफास्ट मतलब टेस्टी और चिकन पेटीज खा के हम लोग का वहाँ का बिल आया था 400 रुपया। उसके बाद दोपहर में जब रोटी और पानी पूरी वहाँ का बिल आया था 130 रुपया। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद मैंने निकला था शाम को थोड़ा नाश्ता बनाने के लिए, तो बिस्किट चिप्स और केक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पानी 2 लीटर पानी लेके वहाँ बिल हुआ था 160 रुपया, हो चुका है। उसके बाद अभी निकला हूँ, अभी ये दोनों ले लिया सुबह का थोड़ा नाश्ता वगैरह, मतलब चिप्स बिस्किट केक ये सब सुबह के लिए ले लिया, क्योंकि सुबह हम लोग निकल जाएंगे, रास्ते में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ से स्टोर था ले लिया वो 80 रुपीज़ का लिया, और मैंने अभी खाना और सोडा भी खाया था और पानी मिला उसके मिला के 160 रुपया। तो आज का खर्चा यही है, और ये रूम था 1000 रुपया का। पेट्रोल
कल का जो था उसमें हो गया था, लेकिन मैं यहाँ आने का टाइम फुल टैंक कर लिया कल के लिए, ताकि सुबह सुबह पेट्रोल भरने का कोई झंझट नहीं रहे। तो बस आज का खर्चा यही है। तो चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।